कोविड-19 की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 3 मई तक सभी यात्री गाड़ियों, प्रीमियम ट्रेन, मेल, एक्सप्रेस ट्रेन, सवारी गाड़ियों, डेमो, मेमो ट्रेन का संचालन निरस्त रहेगा। यह जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी तरह की टिकट बुकिंग तथा ई टिकट बुकिंग अगले आदेश तक नहीं होगी। हालांकि ऑनलाइन टिकट निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी UTS एवं PRS काउंटर अगली सूचना तक बंद रहेंगे। निरस्त ट्रेनों के टिकटों का फुल रिफंड किया जाएगा। इसी क्रम में वह गाड़ियां जो भी अभी निरस्त नहीं हैं उनके टिकट को भी कैंसिल कराने पर फुल रिफंड की व्यवस्था है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए मालगाड़ी एवं पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, कोरोना वायरस से रोकथाम को लेकर लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षात्मक एवं सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, डेमो मेमो ट्रेन को 3 मई रात्रि 12 बजे तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस दौरान जिन भी लोगों ने रिजर्वेशन कराए हैं उनका फुल रिफंड वापस किया जाएगा। अभी रेलवे प्रशासन लगातार मालगाड़ियों का संचालन करता रहेगा जिससे लोगों तक आवश्यकता की सामग्री पहुंच सके। पार्सल ट्रेन की सुविधा भी रेलवे ने उपलब्ध कराई है जो लगातार चल रही है, जिससे लोग आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में भी सामग्री मंगा या भेज सकते हैं। धन्यवाद।